बोलू ला रहा हूँ मैं झंडा। हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि एकदम बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे आप जहाँ भी होंगे। तो ये है जी ढाई बजे के बाद का वीडियो है। मैंने आज सुबह से शूट नहीं किया था, तो ढाई तीन बजे का वीडियो है। और मैं बाहर ही बैठी थी आंगन में, तभी बच्चे आ गए थे। उतनी में बिल्ला भी लगा था म्याऊं म्याऊं करने, जिसको मैं नीचे होकर देख रही थी अभी। और फिर बच्चों को खाना पीना मैंने दिया अंदर जाके, और मैं और मेरा बेटा बैठे हुए थे बाहर, क्योंकि बाहर थोड़ी देर के लिए बैठे हम। अभी यहाँ धूप नहीं थी, क्योंकि दो दिन से आ रही है बहुत तेज तेज सी धूप। कल को तो स्कूल जाना, तीन दिन की छुट्टी हुई, फिर पांच दिन क्या करेगा इसे? नान के दिमाग खाएगा, परेशान करेगा मम्मी को। चल फिर वर्दी चेंज कर, इतनी आगे मैं खाना दूंगी। चल 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 चल। और उतनी में देखकर बिल्ला भी आ गया मेरे साथ, साथ में आ गया म्याऊं म्याऊं करता हुआ, क्योंकि उसे भी लगी थी जोरों की भूख। लेकिन आज दूध नहीं था मेरे पास, बहुत ही थोड़ा था। चल दूर चल, खा खा। अच्छा बेटू खा लेगा तेरे को। खा खा। दूध कम है? दूध नहीं है आज, जब होता है जब आता नहीं, तभी तो तू आता नहीं। क्या खाना, क्या देखने लगा? कुछ नहीं चाहता माँ, कुछ नहीं। क्यूटा ठीक है, खा लो, मैं बाहर बैठी। आ जा गुल्लू। और फिर आकर बच्चों को मतलब खाना खाने के लिए उन्होंने मना कर दिया, और मैंने उनको नमकीन बिस्किट ही दे दिए थे चाय के साथ। तो खुद के लिए मैंने चाय बनाई थी, फिर वो भी कहने लगे कि हम भी चाय ही पियेंगे। और ये कपड़े धोए हुए थे मैंने पहले, और बेड शीट भी दोनों उतार रखी थी। तो फिर मैं आ गई थी, मैंने सोचा कि लगा ही देती हूँ, क्योंकि अभी वो सूख भी गई हैं, वही वाली मुझे डालनी है। तो उसके बाद मैंने बेड को कर दिया था अच्छे से क्लीन। वैसे मुझे बताना कि झाड़ू लगाते हैं बेड के ऊपर कि नहीं, मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी मिट्टी हो जाती है, आप देख ही रहे होंगे। तो बहुत बारीक वाली मिट्टी है ये, और मोटी भी नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ जाती है। लेकिन फिर उसके बाद मैंने गीला करके, वैसे इस पे लगाना नहीं चाहिए गीला कपड़ा, लेकिन क्या करूँ, ये बिल्कुल भी मतलब इकट्ठी नहीं हो पाती है, और इसी तरह से मुझे करनी पड़ती है। और फिर उसके बाद बेड को भी अच्छे से कर दिया था क्लीन। इस पर भी वाइट वाइट से धब्बे हैं जो बन गए हैं। सोच तो रही हूँ कि इस पर पेंट करवाऊंगी मैं, क्योंकि बहुत ही मतलब गंदा हो गया है ये। और ऊपर से मैंने फ़ैन भी चला रखा था, ताकि हल्का हल्का सा सूख जाए। और उसके बाद फिर लगा दी थी चादर। दिन भर तो खैर कोई ना कोई काम चलता रहता है। फिर बच्चा सो गया था मेरा सुबह, और उसके बाद फिर ही थोड़ा बहुत टाइम मिल पाता है, जैसे कपड़े धोने हों या कोई और काम हो, तो वही निपटाती हूँ मैं फिर। और उतनी फिर आधा डेढ़ घंटा हुआ था उसे सोए हुए, उतनी वो उठ गया, और उतनी फिर हम बाहर चले गए आंगन में, और बच्चे भी आ चुके थे मेरे घर पे। तो जी उसके बाद दूसरे वाले बेड की बारी आती है, मैंने सोचा इसको भी कर ही देती हूँ क्लीन। वैसे तो ये तो खैर क्लीन ही था, उतना ये भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी भी मैंने थोड़ी थोड़ी सी कर दी, और पंखा लगा कर इसको भी सुखा दिया। फिर लगा दी थी इसकी भी बेड शीट। तो अब जितने भी कपड़े बचते हैं उनको करूँ।
की तह मैं और तह लगाऊंगी उनकी, बाकी जो जो मेन कपड़े हैं जिनको प्रेस लगानी है तो उनको लगाऊंगी प्रेस। तो कपड़े मैंने जो सूखे हुए हैं उतार कर मैंने इकट्ठे कर कर रखे हुए हैं, और साथ में लगा हुआ है ये भी, मेरे साथ में कपड़े ढो रहा था तो कपड़े ले आया ये मेरे पास। उसके बाद मैंने इनकी तह वगैरह बनाई, और काफ़ी मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ में काम करना, कई बार तो मन करता है कि करूं ही ना, बैठी रहूं, लेकिन बैठने से भी कहां काम चलता है, और जो हो जाता है वो कर लेना चाहिए। तो फिर उस इसी के साथ में ही सारे कपड़े मैंने तह लगा लिए थे, और थोड़े से मेरे बचते थे, तो जब बच्चे ट्यूशन से आ जाएंगे उसके बाद मैं प्रेस लगाऊंगी, क्योंकि प्रेस का भी थोड़ा खतरा बना रहता है, तो ये कभी कहीं हाथ लगाता रहता है, तो उसके चलते काफ़ी मुश्किल होती है कि कब कैसे क्या काम करूं। और उसके बाद जब ये तय हो गए थे सारे, मतलब सारा काम हो गया था अंदर वाला, तो फिर मैं बच्चों को चली आई थी छोड़ने ट्यूशन के लिए, क्योंकि ट्यूशन जाएंगे वो अब और शाम को ही आएंगे। तो उसके बाद फिर आ गए थे हम बाहर, और यहीं मैं जो प्याज लहसुन है तो उनको छीलूंगी उनके बाद बैठकर। वैसे तो मुझे शाम वाली झाड़ू निकालनी है, लेकिन अभी बच्चे गए हैं तो 4:30 ही मैं लगाऊंगी, क्योंकि 4 बजे चले गए हैं ये, और 4:30 मैं लगाऊंगी अपनी झाड़ू। उसके बाद तो वैसे भी काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो जी उसके बाद है ये शाम का टाइम, और आते हुए बच्चे लाए थे अपने लिए चिप्स, तो उन्हीं को बैठकर खा रहे थे वो, और शाम हो चुकी थी, वही कह रहे थे कि हमको चिप्स खाने हैं, तो उनके लिए एक एक पैकेट मैंने दिला दिया। वैसे मैं बहुत कम ही दिलाती हूँ उनको दुकान वाली चीज़ें, और चिप्स वगैरह तो बहुत ही कम। तो इसी के साथ ही व्लॉग का एंड होता है।